बचपन से साथ में रहकर कारोबार किया, नौकरी की, देश विदेश की यात्रा की, फिर अचानक कोरोना वायरस महामारी में यह सोचा कि दुनिया तो एक दिन जानी है, कुछ कर गुजरो मानव कल्याण के लिए और समाज के लिए। फिर दोनों ही ने ठाना, क्यों ना प्रदूषण और पर्यावरण और दूषित होती नदियों के लिए अभियान चलाया जाए। फिर दोनों दोस्त सुधीर कुलकर्णी 57 वर्ष और नरोत्तम अग्निहोत्री 47 वर्ष, यह दोनों दोस्त महाराष्ट्र के पुणे शहर से नर्मदा परिक्रमा के लिए साइकिल से निकले हैं। प्रदूषण नहीं हो, सेहत और स्वास्थ्य के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। स्वच्छ नर्मदा सबकी जिम्मेदारी और पर्यावरण सबकी जिम्मेदारी है, इसी उद्देश्य को लेकर ये निकले हैं। प्रतिदिन 170 किलोमीटर यात्रा ये आसानी से बिना रुके कर लेते हैं। पंचर सुधारने का सामान इनके साथ है, ट्यूब टायर, फार्म का बिस्तर, साइड बैड और आईडी कार्ड के साथ खाने पीने की वस्तुएं भी साथ में लेकर चल रहे हैं। जहां शाम हो जाती है वहां रुक कर स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं, सुबह फिर से यात्रा शुरू कर देते हैं। हाल ही में इनके द्वारा वाकानेर नगर से आगे की और यात्रा पर बढ़े हैं। स्थानीय साहित्य मंच कौमी एकता कमेटी के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। कहाँ से निकले अपन? हम लोग ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले 27 नवंबर। ओंकारेश्वर से? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर से कहाँ गए थे आप पहले? पहले हम लोग गए थे तलवाड़ा बेदक गए। अभी कहाँ से आ रहे हैं इधर? अलिया राजपुर से। आपका नर्मदा यात्रा का उद्देश्य क्या है आपका? ये जो कोविड आया हुआ है, कोविड जो बड़ी महामारी आई जी है जी। उससे बचाव करने के लिए हम नर्मदा मैया को प्रार्थना कर रहे हैं, और इतना बड़ा जो स्वच्छ भारत सुंदर भारत जो अपने प्रधानमंत्री लाए हुए जी दे रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ज्ञान दे दो, एजुकेशन सबको जरूरी है, सब एक समान जैसे लोग रहना चाहिए, ये वजह है, बाकी कुछ नहीं। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग थोड़ा सा संदेश दे रहे हैं, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है, पोल्यूशन कम होता है, एनवायरमेंटल अच्छा होता है, और मेन चीज़ है कि नदी को गंदा मत करो, गंगा मैया हो या नर्मदा हो या कावेरी हो। नदी से नर्मदा परिक्रमा की यात्राएं तो अनेक लोगों ने की है, किसी ने पैदल, किसी ने वाहन से, लेकिन सुधीर भाई और इनके दोस्त ने ये उद्देश्य ये ठाना है कि पवित्र माँ नर्मदा गंदी नहीं हो, और कोविड-19 जो देश दुनिया में आया है, इनकी पवित्र यात्रा करके गांव-गांव संदेश दे रहे हैं कि भाई स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, खास करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दे रहे हैं, और ये उद्देश्य दे रहे हैं कि बेटी अनमोल है, संस्कारित है, उन्हें बचाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। साइकिल से यात्रा कुल इनकी कितने किलोमीटर हो जाएगी, आओ हम सब पूछते हैं। टोटल यात्रा का किलोमीटर रहेगा 3400 किलोमीटर। 3400 किलोमीटर साइकिल का इन्होंने इसलिए चयन किया है कि साइकिल आने वाले भविष्य में भी प्रदूषण को देखते हुए सेहत के लिए साइकिल यात्रा अति उत्तम यात्रा है। कैमरामैन अशफाक बबलू के साथ मैं सैयद रिजवान अली मनावर। आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। दोपहर न्यूज चैनल अपनी सफलता के 3 वर्ष पूर्ण कर 14वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सिटी केबल नेट व UCN पर पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ ही YouTube पर दर्शकों के सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बन चुके दोपहर न्यूज को आप सभी दर्शकों का भरपूर प्यार और सहयोग मिला है, इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। दोपहर न्यूज से जुड़ने के लिए संपर्क करें राजेश पिपलोदिया 888-93-00-73।